यूपी की शामगंज पुलिस ने 8 लाख रुपए लेकर फरार हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही आरोपी से 5,95,000 रुपए और एक बाइक भी जब्त की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी रूहटा में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर काम करता था। दुकान मालिक ने उसे 8.5 लाख रुपए बैंक में जमा कराने को दिए थे और इसमें से 49,000 रुपए बैंक में जमा करा कर दिए और 8 लाख रुपए लेकर फरार हो गया था। में एक धोखाधड़ी का मुकदमा लिखा गया था जिसमें एक व्यक्ति 8 लाख रुपया लेकर के फरार हो गया था। उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और 5,95,000 रुपया बरामद किया गया और उसको पूछताछ करके जेल भेजा गया। सर, ये जौनपुर में ही अपराध करते थे कहीं और जिलों में नहीं? ये जिनके यहाँ अपराध किए थे उनके यहाँ काम करते थे, उन्हीं का पैसा बैंक में जमा करने जा रहे थे तो रास्ते में लेकर भाग गया। आपके द्वारा टीम को कोई इनाम दिया गया है? बिल्कुल इनाम दिया गया है।